किसी के चेहरे को कब तक निगाह में रखूं, सफर में एक ही मंजर तो रह नहीं सकता। ये शेर अब भाजपा में कई सीएम पद के चेहरों के लिए है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में एक सीएम चेहरा बता पाना बड़ा मुश्किल है। और खुद पीएम मोदी, भाजपा के तमाम नेता ये ऐलान कर चुके हैं कि इस बार राजस्थान में चुनाव के मद्देनजर भाजपा का एक ही चेहरा होगा, वो है कमल का फूल, यानी कि कमल के फूल पर ही चुनाव लड़ेंगे। और अगर जीते तो उसके बाद ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कई लोगों के अपने अपने अलग अलग सुझाव हैं, लेकिन भाजपा अनिश्चितताओं की पार्टी है। भाजपा की छवि ही ऐसी है कि कभी भी कोई भी नया ऐलान, नया प्लान, नया गेम प्लान पार्टी तय कर सकती है, और इसका उदाहरण कई जगहों पर देख चुके हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुमत आने के बाद भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को, जो सांसद थे गोरखपुर से, उनको प्रदेश की कमान संभाल दी और वो मुख्यमंत्री बन गए, निर्विरोध मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा ही अब राजस्थान के लोगों को लग रहा है कि वसुंधरा राजे को भाजपा ने किनारे तो कर दिया है, उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है कि वसुंधरा के अलावा किसी और को पार्टी कमान सौंप दे और उसके सर पर ताजपोशी हो जाए। अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में भी भाजपा इस प्रकार का ही गेम खेल रही है। वहां पर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेज है, यानी कि सत्ता विरोधी लहर। शिवराज को लोग मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, भाजपा को तो चाहते हैं, इसलिए वहां मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक अलग गेम बनाया है। वहां पर सभी सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया है। इससे अब भाजपा में सीएम पद के चेहरे कई हो गए हैं। इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, और भी जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो चुनाव में उतार दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में गणित ये हो जाता है कि जब कोई केंद्रीय मंत्री, सांसद चुनाव लड़ते हैं तो जनता को लगता है कि अब हमारे क्षेत्र से अगर ये विधानसभा जीत के पहुंच गए तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री हमारी विधानसभा से हो जाए। ऐसा ही गेम प्लान भाजपा राजस्थान में भी करने जा रही है। बिल्कुल, भाजपा ने अपनी 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी, जिसमें अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण से, ये सभी नेताओं को लिस्ट में जगह मिली। अब ये कवायद तेज हो रही है कि अगर ये नेता जीत कर आते हैं तो हो सकता है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। इससे गणित ये बैठता है कि जो लोगों की सीट थोड़ी कमज़ोर भी मानी जाए, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का दाव इस समय झोटवाड़ा की विधानसभा सीट में थोड़ा कमज़ोर माना जा रहा है, वहाँ पर भाजपा के पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत वो अलग नाराज चल रहे हैं, आशु सिंह सूरपुरा जो भाजपा की उम्मीदवारी जता रहे थे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में भाजपा की राह इतनी आसान नहीं है झोटवाड़ा में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे जनता ये गणित समझेगी कि हो सकता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मुख्यमंत्री बन जाए, तो बिल्कुल ये होगा कि उनके पाले में मत तेजी से पड़ना शुरू होंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी विधानसभा से मुख्यमंत्री बने। जैसे बीते विधानसभा चुनाव में 2018 में सचिन पायलट को जब मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी तो पूरे गुर्जर समुदाय ने जमकर कांग्रेस को वोट दिए, लगभग पूरे ही गुर्जर समुदाय ने 100% 99% ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। सचिन पायलट करीब 55,000 मतों से जीत करके टोंक विधानसभा सीट से पहुंचे। अब ऐसे में अब भाजपा में अलग अलग चेहरों की कवायद तेज है। हम आपको आज बताएंगे कि कितने चेहरों पर भाजपा इस बार दाव लगा सकती है मुख्यमंत्री के लिए अगर उनकी सरकार बनती है तो। सबसे आगे इसमें नाम है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे दो बार की मुख्यमंत्री है राजस्थान की, तेज तर्रार कड़क शासक के तौर पर उन्हें जाना जाता है, बढ़िया मैनेजमेंट करती हैं, प्रशासन में उनकी तूती बोलती है, तेज तर्रार लीडर हैं। लेकिन वसुंधरा को साइडलाइन किया गया है। उसका एक कारण है कि 2018 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में नारे लगते थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। शायद भाजपा का केंद्रीय लीडरशिप ये जानता है
कि वसुंधरा को अगर सीएम पद के लिए घोषित किया जाए तो उतने वोट उतनी सीट पार्टी के कद में पाले में नहीं आएगी, इसलिए पार्टी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया है। अब पार्टी ये भी हो सकता है कि अगर बहुमत भाजपा के गणित में बैठता है तो वसुंधरा राजे को फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अभी साइडलाइन करके जो वसुंधरा के खिलाफ लोग हैं उनके वोट भी भाजपा बटोर लेगी। दूसरा नाम बताया जा रहा है दिया कुमारी का। दिया कुमारी राजसमंद से सांसद हैं, सवाई माधोपुर से सांसद रह चुकी हैं, राजघराने से हैं, जयपुर के राजघराने से हैं। दिया कुमारी को राजस्थान में लगातार बड़ी जिम्मेदारियाँ मिल रही हैं। पहले जब पीएम मोदी की जयपुर में सभा हुई तो उसमें दिया कुमारी को मंच संचालन की जिम्मेदारी मिली। अब इसके बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में भी उतारा गया है जयपुर की विद्याधर नगर सीट से, और दिया कुमारी को टिकट देने के लिए टिकट काटा है दो बार के लगातार विधायक नरपत सिंह राजवी का, जो कि राजस्थान में तीन बार मुख्यमंत्री रहे, देश के उपराष्ट्रपति रहे, भैरव सिंह जी शेखावत के दामाद हैं। अब ऐसे में दिया कुमारी के लिए भी कवायद तेज है कि दिया कुमारी भी मुख्यमंत्री बन सकती है। इसमें तीसरा नाम राजेंद्र राठौड़ का बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, लगातार सात बार से अपनी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। जीत का ग्राफ बहुत अच्छा है, अच्छी पकड़ है उनकी संगठन में, तेज तर्रार माने जाते हैं। ऐसे में चुनावों के बाद भाजपा के पाले में गणित बैठा तो राजेंद्र राठौड़ को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इसमें ये हो सकता है कि उनके पक्ष में ये गणित अगर न बैठे तो उसके दो तीन कारण होंगे। एक हो सकता है कि राजपूत समाज से आते हैं, भाजपा शायद ये ना करे कि किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए चुने। उसके बाद एक नाम बताया जा रहा है अर्जुन राम मेघवाल, न्याय और कानून मंत्री केंद्र में। अर्जुन राम मेघवाल मोदी के बड़े करीबी माने जाते हैं। अब कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि अर्जुन राम मेघवाल इस रेस में नहीं है, लेकिन हमने उनका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि भाजपा अनिश्चितताओं की पार्टी है। अर्जुन राम मेघवाल देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बाद दूसरे दलित कानून मंत्री हैं। उनके चेहरे पर भी भाजपा बड़ा वोट बैंक खेल सकती है 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। इसलिए हो सकता है कि अर्जुन राम मेघवाल पर भी बहुमत आने के बाद दाव लगाया जाए, क्योंकि इससे पूरे देश का दलित वोट बैंक है भाजपा साध सकती है। जो भाजपा पहले भी लगातार दो बार राष्ट्रपति के पद पर किसी अल्पसंख्यक समुदाय से बिठा करके, किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति को बिठा करके, हरिजन समाज के व्यक्ति को बिठा करके, आदिवासी समाज के व्यक्ति को बिठा करके बड़ा वोट बैंक साध चुकी है। इसके बाद एक नाम बताया जा रहा है, बड़ा चौंकाने वाला नाम बताया जा रहा है, वो है ओम बिरला का। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री की रेस में वो भी हैं, क्योंकि ओम बिरला मोदी और अमित शाह दोनों के करीबी हैं। मोदी और अमित शाह जरूर चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति राजस्थान में बैठे जो उनकी बात को समझे, इस प्रकार का नेतृत्व न मिले जो आगे मोदी और अमित शाह की बात काटने में लग जाए, क्योंकि ये कई राज्यों में हो चुका है। इसीलिए मोदी और अमित शाह जरूर चाहेंगे कि ओम बिरला अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। एक नाम और, तेज तर्रार हिंदुत्व की छवि वाले, वही भगवा चोला जो उत्तर प्रदेश में थमाया गया, वैसे ही बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हैं। तिजारा विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव में उतारा गया है, पहली लिस्ट में उनका नाम था। हालांकि तिजारा में उनका विरोध शुरू हुआ, लेकिन उनका स्वागत भी बड़ी जोरों शोरों से हुआ, क्योंकि तिजारा की जनता का ये विश्वास है कि अगर इस बार भाजपा का गणित बैठता है, भाजपा की सरकार राजस्थान में आती है, तो बाबा बालकनाथ रेस में बहुत आगे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार का शासन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दिया है, एक कड़क शासक के तौर पर, एक डिसिप्लिन्ड शासक के तौर पर, जहां पर अपराध को जीरो टॉलरेंस के रूप में देखा गया है, वैसा ही हो सकता है कि राजस्थान में भी भाजपा प्रयोग करे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के इस शासन के बाद जब योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया तो 2022 में पार्टी ने वहां सत्ता में वापसी की। ऐसा हो सकता है कि इस बार बाबा बालकनाथ को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके बाद एक नाम बताया जा रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से सांसद हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, दो बार जोधपुर से सांसद चुने गए हैं। हो सकता है कि उनके नाम पर भी मुहर लगे, मोदी के करीबी माने जाते हैं। जब भी पीएम मोदी राजस्थान आए हैं
गजेंद्र सिंह शेखावत मंच पर ज़रूर मौजूद रहे हैं। अभी हाल ही में उन्हें साफा भी पहनाया था उन्होंने। अब ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन उनके बीच में अटकलें बहुत सारी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को अगर विधानसभा लड़वाया जाता है तो वो विधानसभा हार जाएंगे। लोगों का कहना है कि अगर अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत उतरे तो कई हजार मतों से उनकी हार होगी। अब ये ग्राउंड पे कितना सच है इसका एनालिसिस करना बाकी है, लेकिन ऐसी चीज़ें शेखावत के बीच रोड़ा हो सकती है, क्योंकि अगर विधानसभा ही हार गए तो मुख्यमंत्री रेस से तो वो वैसे भी बाहर हो जाएं। इसके बाद नाम है अश्विनी वैष्णव का। दिग्गज ब्राह्मण चेहरे हैं। इस बार जब ब्राह्मणों का महासंगम जयपुर में हुआ, राजस्थान में हुआ, तो उसके बाद ही सीपी जोशी जो भाजपा के अभी प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें कमान सौंपी गई। ब्राह्मण चेहरे को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। ऐसे में हो सकता है कि अगर सरकार आती है तो आउट ऑफ द बॉक्स अचानक से अश्विनी वैष्णव को लेकर आया जाए, केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाए। इससे होगा ये कि यहाँ पर वो लोग नहीं होंगे जो अश्विनी वैष्णव पर जोर चला पाए। अश्विनी वैष्णव यहाँ खुद कुछ लोगों पर जोर नहीं चला पाएंगे। ऐसे में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा यहाँ मुख्यमंत्री और केंद्र में अमित शाह और मोदी के बीच। ऐसे में ये बिल्कुल हो सकता है कि अश्विनी वैष्णव को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो अश्विनी वैष्णव भी इस रेस में हैं। एक आखिरी नाम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। उनकी राह इतनी आसान है नहीं, क्योंकि जिस विधानसभा से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं झोटवाड़ा, वहाँ से भारी विरोध उन्हें देखने मिल रहा है। राजपाल सिंह शेखावत, आशु सिंह सुरपुरा, इन दोनों के समर्थक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लगातार घेर रहे हैं। झोटवाड़ा राजपूत बहुल्य सीट है, राजपूत यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है। ऐसे में जब कल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, तो वहाँ जो उनका विरोध कर रहे थे लोग, जो काले झंडे दिखा रहे थे, उन्हें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मिठाई भी खिलाई। एक अच्छा वीडियो, एक तरीके से छवि सुधारने वाला वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन उनके विरोधी इसे नाटक भी बता रहे हैं। अब अगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की राह विधानसभा पहुंचने के लिए आसान नहीं होगी तो मुख्यमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात होगी, लेकिन रेस में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी माने जा रहे हैं। ये वो नाम है जो हमने हमारे एनालिसिस से जारी किए हैं कि ये नाम मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल कारगर हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो क्या इनमें से किसी नामों की ताजपोशी होगी, या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आया जाएगा नया नाम, उसे दी जाएगी सत्ता की चाबी और नया अध्याय राजस्थान में शुरू होगा। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स, तमाम एनालिसिस हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान चौक।